रूस और यूक्रेन की जंग एक बार फिर घातक होती दिख रही है। अभी हाल में रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्कीव में हमले किए, लेकिन यूक्रेन ने पलटवार किया है। यूक्रेन ने रूस पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। गोलियों की आभास, मौत बरसाती ये आतंकवादी, इन तस्वीरों ने रूस में कोहराम मचा दिया है। आतंकी हमले की ये तस्वीरें रूस के दागेस्तान की हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। हमले के बाद यहाँ के दबरंद इलाके में दो जगह हमला हुआ। पहले आतंकियों ने यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग को टारगेट किया और फिर चर्च पर भी हमला किया। आतंकियों के हमले के बाद वहां आग लग गई। दावा है कि अटैक के बाद हमलावरों को एक कार में भागते देखा गया। आतंकियों ने एक और सिनेगॉग पर भी गोलियां चलाई। उस समय वहां कोई नहीं था। रूसी न्यूज एजेंसी टास ने बताया कि हमलावर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये बात साफ है कि रूस के दुश्मन थे, व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन थे। हमले की लोकेशन, हमले के हालात, हमलावर कैसे भागे, हमलावर कहां कहां एक्टिव हुए, इस वक्त रूस की सिक्योरिटी एजेंसियों ने मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है। और इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन उसका अंत जरूर करेंगे। आतंकियों ने दागेस्तान में कैस्पियन सागर के किनारे पर मौजूद लोगों पर भी गोलियां बरसाई। हर तरफ अफरा तफरी ऐसी मची कि लोग जान बचाकर भागने लगे। इससे पहले आतंकियों ने यहूदियों के धार्मिक स्थल सिनेगॉग में आग लगा दी, चर्च पर गोलियां बरसाई, पादरी का सिर कलम कर दिया, चर्च के गार्ड को गोलियों से भून डाला, पुलिस की पोस्ट पर गोलियां बरसाई। रूस में दो जगहों पर एक साथ आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने रूस के दागेस्तान में दरबंद और यहां की राजधानी माखचकाला में एक साथ हमले किए हैं। जिस सिनेगॉग और चर्च पर हमला हुआ वो दागेस्तान के दरबंद शहर में है। यहां रूस के यहूदी नागरिकों की अच्छी खासी आबादी रहती है। रूस के कोकेशस इलाके में यहां मुस्लिम और यहूदी हमेशा से रहते आ रहे हैं। जबकि जिस पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ वो दरबंद से 125 किलोमीटर दूर दागेस्तान की राजधानी माखचकाला में है। आतंकी हमले का पैटर्न बताता है कि ये प्री प्लान था, क्योंकि आतंकियों ने दागेस्तान के दो शहर पर एक ही समय पर हमला बोला। फादर निकोले उस वक्त दरबंद शहर के चर्च में ही थे। रविवार शाम यहां हमला होता है, आतंकी चर्च में घुस जाते हैं और वहां मौजूद फादर निकोले का सिर कलम कर देते हैं। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड मिखाइल भी था, जिसे आतंकियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। रूस में हुए इस दोहरे आतंकी हमले में 8 पुलिसकर्मियों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के 25 जवान भी घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी भी मारे गए। रूस की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। दागेस्तान में आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि हथियार बंद लोगों में एक ग्रुप ने सिनेगॉग और चर्च पर गोलीबारी की। इस दौरान काउंटर ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। कुछ भाग गए, जिनकी तलाश में दागेस्तान का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. Столица Дагестана, Махачкале, и древнейшем городе Дербент. Дагестан не хамле ке пиче Украин ор НАТО дешон ко земедар ठहराया है। दागेस्तान के नेता अब्दुल खाकिम गदजिएव ने टेलीग्राम पर लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकी हमले किसी न किसी तरह से यूक्रेन और नेटो देशों की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस हमले का वीडियो देखकर पुतिन का खून खौल रहा है। पुतिन बदला लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे पहले वो देखेंगे कि इस हमले के पीछे कौन है।